अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम कामरान अफरीदी और आज मैं आप लोगों के साथ ईसीजी का जो ओल्ड पेपर है केएमयू का वो डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके एमसीक्यूज़ को। और ये जो पेपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों के साथ भी शायद होगा। इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस भी है जो कि इसमें जो टिक किए हैं वो कुछ गलत है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन है, अगर आप लोग देख लें, मैं मजीद जूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, व्हेन द नेगेटिव आयन्स माइग्रेट टू आउटर सरफेस एंड पॉजिटिव आयन्स पास इन टू द सेल इज नोन एज ए, ये कहते हैं कि अगर सेल से बाहर नेगेटिव आयन्स चले जाए और इसके अंदर पॉजिटिव आयन्स आ जाए तो इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन बी डीपोलराइजेशन, तो ये दुरुस्त है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप नीचे देख ले, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल भी लिखा हुआ है। ठीक है, असल में डीपोलराइजेशन जो है ना, सिर्फ ये चार्जेस की मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एक्शन पोटेंशियल को देख ले, तो ये एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन और फिर उसके बाद हाइपर रीपोलराइजेशन, इन सबको इकट्ठा मिलके क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ चार्जेस जा रही होती हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर टू है, द एसेनोड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैश, ये कहते हैं कि एसेनोड किस चीज़ के अंडर द इन्फ्लुएंस है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, इंटिगोमेंटूरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें हमारे साथ ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है, इसमें मतलब सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक, यहाँ से क्या आए हुए हैं, नर्व्स आए हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ पे हार्मोन्स भी वैसे होते हैं। ठीक है, जो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, ये चीज़ें भी वहाँ पर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो बोथ ए एंड बी, इंटिगोमेंटूरी सिस्टम तो हमारे साथ स्किन सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये हमारे साथ ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे साथ, दी डिस्चार्ज रेट ऑफ एसेनोड इज, मतलब ये है कि एसेनोड से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो फायरिंग होती है वो कितना है। तो हमारे साथ वो 50 से लेकर 100 पर मिनट है। ठीक है, ये हमारे साथ ऑप्शन डी यहाँ पे जो दी गई है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है, और हम इससे इसकी बीट भी, नॉर्मल जो हार्ट बीट है हमारे साथ वो भी 160 से लेकर 100 तक है, या 50 से लेकर 100 तक है, तो इसलिए ये हमारे साथ दुरुस्त ऑप्शन है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर है, दी अर्ली पार्ट ऑफ पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, ये कहते हैं कि जो पी वेव होता है ना, उसको अगर हम हाफ में डिवाइड, अर्ली पार्ट आता है और दूसरा लेटर पार्ट आता है। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड होता है, तो उसका जो अर्ली पार्ट है वो राइट एट्रियम की डिस्चार्ज को, और इसके अलावा जो लेटर, फिर उसके बाद अर्ली के बाद जो आता है वो हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम की, तो ये हमारे साथ यहाँ पर दुरुस्त जवाब है, ए राइट एट्रियम की। इसके अलावा, सॉरी गाइस, ओ गॉश, ये है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फाइव है, एस टी सिगमेंट लाइज बिटवीन, ये कहता है कि एस टी सिगमेंट कहाँ पर मौजूद है। तो ये एस और टी वेव के बीच मौजूद है। एक हमारे साथ होता है सिगमेंट और दूसरा होता है वो पीरियड। ठीक है, सिगमेंट के बीच कोई अदर फिर वेव नहीं होगा, डायरेक्टली ये दोनों होंगे, तो ये हमारे साथ एस वेव और टी वेव के दरमियान हो गए। ठीक है, और फिर हम इससे एस टी सिगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन, इससे हम डिफरेंट डिजीज की भी डायग्नोस कर सकते हैं। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द स्प्रेड ऑफ राइट कंट्रेक्शन थ्रू राइट वेंट्रिकल, कंट्रेक्शन थ्रू एट्रियम, इसके अलावा उन्होंने लिखा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू वेंट्रिकल्स, या पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, या इसके अलावा रीपोलराइजेशन ऑफ होल हार्ट। यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन टिक किया है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू वेंट्रिकल, अगर ये क्यू आर एस हमारे साथ ईसीजी पर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करती है, तो इसलिए हम इसको राइट ऑप्शन चूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थ्रू क्यू
थ्रू वेंट्रिकल्स, ठीक है। कंट्रैक्शन थ्रू वेंट्रिकल्स, हम इसको कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन कंट्रैक्शन हमारे साथ मैकेनिकल एक्टिविटी है, जबकि QRS कॉम्प्लेक्स, ये ECG हमारे साथ किस चीज़ को शो करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को शो करते हैं, ठीक है। वन पर हु इज द इन्वेंटर ऑफ अगमेंटेड लीड्स, तो हमारे साथ ये क्या है, विलियम एंथोवियन। अगर आप लोग देख ले यहाँ पर ये जो ट्रायंगल भी ये अगमेंटेड लीड बनाते हैं, AVL AVR और AVF, तो ये हमारे साथ किया है, ये एक डच साइंटिस्ट था, डच जर्मनी में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का रहने वाला था, तो एंथोवियन ट्रायंगल भी इनके बीच बनती है, तो इसलिए ये उन्होंने इन्वेंट किए थे। इसके अलावा हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, चेस्ट लीड V1 V2 V3 मोस्टली कवर विच पार्ट, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है राइट एट्रियम, तो ये गलत है, हम राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। ये इसकी अगर आप प्लेसमेंट देख ले गूगल पर, इसकी पिक्चर भी देख ले, तो ये हमारे साथ वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, V1 V4 इसी तरह से, तो V1 से लेकर V3 तक ये हमारे साथ राइट वेंट्रिकल को कवर करती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर भी इसी तरह से एक और MCQ से हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 9 में, ये इसमें कहता है कि प्रिकॉर्डियल लीड V2 V3, आप लोगों को ये क्लियर नहीं नज़र नहीं आता, लेकिन ये लिखा है प्रिकॉर्डियल लीड V2 V3 मोस्टली कवर विथ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ व्हाट, ये हमारे साथ किस चीज़ का, एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम का, ये V3 लीड जो है बिल्कुल वो एंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के सामने आता है, तो इसलिए यहाँ पर। फिर हमारे साथ किया है क्वेश्चन नंबर 10 है, चेस्ट लीड V5 एंड V6 कवर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, ऑप्शन सी में लिखा है एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर इंटीरियर भी और साथ साथ में लेटरल भी, अगर आप V5 और V6 को देख ले तो बिल्कुल ये लेटरली अक्सेल में, मिड अक्सेलरी लाइन में जाती है, तो वहाँ पर हर्ट का वो लेटरल साइड होता है, इसलिए इसको एंटीरियो लेटरल कहा है। हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 है, थाल आर वेव एंड लीड 5 एंड 6 इंडिकेट, जब हमारे साथ थाल वेव हो V5 और V6 का, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देख ले तो इन्होंने पहले सी ऑप्शन को बी टिक किया था, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेकिन राइट वेंट्रिकुलर की जो लीड्स है वो V1 V2 और V3 है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे है V5 और 6, तो ये हमारे साथ इसलिए येलो से टिक किया है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे साथ, लॉस ऑफ आर वेव प्रोग्रेशन आर पुअर आर वेव वेव थ्रू V3 एंड V5 इंडिकेट, ये कहते हैं कि अगर वो आर वेव प्रोग्रेसिवली लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या आर वेव पुअर है, ठीक है, V3 V4 और V5 में, तो यहाँ पर ये कौन सी MI को शो करता है, एंटीरियर MI। अगर आप देख ले तो ये लीड्स बिल्कुल एंटीरियर ऑफ द हार्ट लगे हुए होते हैं। इस 13 में है, ECG ग्रिड विथ QRS कॉम्प्लेक्स ड्यूरेशन ग्रेटर देन 12 mm, और वहाँ पर QRS में अगर M शेप बन जाए, नोच बन जाए थ्रू V1 V2, तो हमारे साथ ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, राइट बंडल ब्रांच RBB, ये हमारे साथ किया, जब भी M शेप आ गई और इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा हुई 12 से, तो ये हमारे साथ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे साथ, 14 है, 14 में लिखा है ECG ग्रिड विद अप राइट डिप्लेक्शन ऑफ लीड 1 एंड AVF इंडिकेट नॉर्मल एक्सेस, ये हमारे साथ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल एक्सेस को। 15 है हमारे साथ, टू इंश्योर स्टैंडर्ड ECG लीड ग्रिड दी वोल्टेज और वाई एक्सेस मस्ट बी, ये वाई एक्सेस जो है ना, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज का, वो हमारे साथ 1 mm 1 mV है, वो किया है 1 mV है, बाकी ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है और आखिरी है, नॉर्मल पी वेव इन AVR मस्ट बी इन्वर्टेड, ये आर वेव जो है ना, ये सॉरी AVR में जो अगमेंटेड लीड है, इसमें पी वेव वैसी वैसे नॉर्मली हमारे साथ अगर V1 V2 और इनको देख ले, तो वहाँ पर वो इन्वर्टेड नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म में होता है, अपवर्ड होती है, ठीक है, अपराइट।
लेकिन इसमें क्या होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन इसमें ये